Good morning, students. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. Class 5th, EVS में आपका ये 15th chapter है Dignity of Labour, श्रम की गरिमा. मतलब जो कार्य लोग जो कर रहे हैं उसका जो वर्क हो रहा है तो उसकी जो गरिमा है उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ठीक है, हम सभी एक सोसाइटी में रहते हैं. ठीक है, वी लिव इन अ सोसाइटी. पीपल हैव टू वर्क फॉर अ लिविंग. पीपल जो लोग जो हैं जो कार्य करते हैं अपने जीने के लिए. ठीक है, लिविंग के लिए. तो फॉर एग्जाम्पल योर फादर और मदर, मान के चलो उदाहरण ले लेते हैं, आपके माता पिता काम करने के लिए बाहर जाते हैं. किस लिए? मनी के लिए. क्या करने के लिए? मनी अर्न करने के लिए, मनी कमाने के लिए वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं. ठीक है, और घर पे लेके आते हैं तो उससे क्या होता है? बहुत सारे कार्य होते हैं. मनी होता है तभी हम अपने लिए फूड बोरो कर सकते हैं, क्लोथ्स बोरो कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो हमारी यूजेस की हैं जो हमें चाहिए तो वो हम उससे करते हैं. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो आपके फार्मर्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, सभी लोग जो हैं क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स लाने के लिए तो वो कार्य कर रहे हैं. ठीक है, पीपल सच एज टीचर, डॉक्टर्स, नर्सिस, ये स्वीपर्स, ये जितने भी हैं आपके वेरियस सर्विसेज टू हेल्प अस, ये जो हैं जितने भी सर्विसेज कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये हमारी मदद कर रहे हैं. टीचर्स हमारी मदद कैसे कर रहे हैं? हमें शिक्षा प्रदान करके, डॉक्टर्स हमें ट्रीट करके, हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें ट्रीट करते हैं, हमारी बीमारी को दूर करते हैं, नर्सेज हमारा देखभाल करती हैं. तो स्वीपर्स का क्या काम होता है? हमारे आसपास के जो एरिया हैं उनको क्लीन करते हैं, रोड्स वगैरह को क्लीन करते हैं. ठीक है, घरों में भी स्वीपर हैं आपके तो आपके घर को क्लीन करते हैं. तो ये आपको क्या करते हैं? ये आपकी मदद कर रहे हैं, आपके कार्य के कार्यों को कर रहे हैं, आपके जो भी काम है ये आपके हेल्पिंग वर्कर्स होंगे. ठीक है, अब देखो हमें रोड चाहिए होता है उस पर व्हीकल्स चलाने के लिए. तो जो लोग जो है क्या कर रहे हैं? रोड्स वगैरह बना रहे हैं. जो रोड्स, बिल्डिंग्स या ये ब्रिजेस जो कंस्ट्रक्ट करते हैं ये कौन करता है? ये इंजीनियर के थ्रू होता है. ठीक है, कंस्ट्रक्टर वर्कर का अलग ही काम होता है. वहाँ पे भी बहुत सारे एम्प्लॉय छोटे छोटे होते हैं कंस्ट्रक्ट में. आप देखते हो रोड साइड पे जब रोड बनता है तो कितने वर्कर्स जो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैसे कार्य कर रहे होते हैं. ये भी एक तरफ से हमारी मदद ही कर रहे हैं, है ना. सभी लोग जो हैं यहाँ पे अपने मन लगा के अपने कार्यों को कर रहे हैं और इनकी कार्यों को हमें सराहना देना चाहिए और इन्हें आगे बढ़ने के लिए हमें अच्छी बातें कहना चाहिए. आप कभी कभी देखते हो तो कभी स्वीपर को कोई कह देता है कि कुछ गलत कह देता है तो ये नहीं कहना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो आपकी मदद करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपके कार्य कर रहे हैं, तो उनको भी कम से कम हक है कि कुछ अच्छी बातें सुने. ठीक है, डिग्निटी ऑफ लेबर्स. देखो आप सोसाइटी में देखो कि डिग्निटी ऑफ लेबर्स प्लेज अ वर्चुअल रोल. जो आपके लेबर्स हैं बहुत ही अच्छे रोल प्ले करते हैं. इट मेक्स अ मैन और वुमेन रियलाइज दैट एवरी इंडिविजुअल मस्ट डू हिज और हर शेयर ऑफ वर्क. ये क्या रियलाइज कराते हैं हर इंसान को कि अपने जितने भी वो कार्य हैं जो शेयरिंग करके हमें करना चाहिए, मिल बांट के और आराम से प्यार से करना चाहिए. ठीक है, हमें क्या सिखाते हैं? वो दूसरों के लिए रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, दूसरों के कार्य के लिए रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं, कैसे हमें दूसरों के कामों को रिस्पेक्ट करना चाहिए. ठीक है, जो लेबर्स है, मैन या वुमेन जो भी हैं, एंजॉय एंड टेक्स प्राइड इन हिज और हर वर्क. ठीक है, वो अच्छे से अपने कार्यों को एंजॉय करते हैं और अपने कार्यों को बखूबी निभाते हैं. तो हमारा भी क्या जॉब बनता है? तो उनसे अच्छे व्यवहार करना चाहिए. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ये आपका 15 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है. ठीक है, और चैप्टर जो बाकी हैं आपके उन सेकेंड पार्ट में हम उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए आप अच्छे से इसको रीड कीजिए. धन्यवाद.